पूर्व आयुर्वेद कॉलेज के कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया? मेरे साथ मौजूद है विजिलेंस विभाग के एसपी सेंथिल अबुदाई जी। सर ये बताएं कि किस तरह की गिरफ्तारी हुई है, क्या आरोप थे उनके ऊपर, कब से जांच चल रही है सर? नहीं, हमारा सदर कलेक्टर ने सेक्टर देहरादून में जो है 17/11/2018 का जो है मृत्युंजय मिश्रा एवं अन्य का विरुद्ध जो है धारा 120B, 420, 468, 471, 467 एवं अब्यूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी प्रोविजन ऑफ एक्ट में जो है हमने मुकदमा कायम किया था। उसमें विवेचना करने पर जो है इनका विरुद्ध जो आरोप पुष्टि होने पर जो है आज शाम जो है 4 बजे इंदर रोड से जो है इनका जो है हमने गिरफ्तार कर दिया गया है। सर क्या क्या आरोप हैं जो आपने धाराएं लगाई हैं, क्या क्या आरोप इनके ऊपर बनते हैं और क्या किस तरह की जांच आपकी चल रही थी सर? जो इनके ऊपर जो आरोप अभी तक जो पुष्टि हुआ है वो है कि जो TADA बिल का फर्जीवाड़ा पुष्टि हुआ है एवं इनका द्वारा जो यूनिवर्सिटी का जो वेंडर्स है उनका नाम से जो है फर्जी KYC दाखिल करके बैंक में उनका खाता खोलना है एवं उस अकाउंट से जो है लगभग 32 लाख रुपया का ट्रांसफर होना एवं नगद एवं अन्य मार्ग से जो है लगभग 68 लाख 68 लाख रुपीज़ जो है इनका और इनका परिजनों के खाता में जो पैसा ट्रांसफर होने का आरोप अभी तक सिद्ध हुआ है। सर जो आप बता रहे हैं कि लगभग 70 लाख से ऊपर अभी तक ये धांधलीबाजी आई है, क्या ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जांच में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं और भी इस तरह के घपले सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो हमारा सर्च टीम अभी इनका घर और ऑफिस वगैरह में सर्च कर रही है, इसमें भी हमें कुछ अगम सुराग मिलने का उम्मीद है एवं जो है अभी जहाँ जैसा आगे बढ़ेगा और डॉक्यूमेंट हम एकत्रित करने में लगे हैं जैसा विवेचना आगे बढ़ेगी और कुछ आरोपी इनको ऊपर से दो सकता है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा? कल कोर्ट में पेश करेंगे फिर आगे ये कार्रवाई देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सेंथिल अबुदाई जी, साफ तौर पर कहना है उनका कि भ्रष्टाचार के आरोप मृत्युंजय मिश्रा पर लगे थे जिनकी जांच कई दिनों से चल रही थी और उस जांच के आधार पर आज उन्हें शाम 4 बजे गिरफ्तार किया गया है। किरणकांत शर्मा, ETU भारत, देहरादून।